पूजा स्पेशल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हेलो नमस्ते सलाम, आज करेंगे साउथ कोलकाता में सारी रात पैंडल हॉपिंग। देशप्रिय पार्क की इस वर्ष की थीम है ज्योति, अंधेरे से प्रकाश की ओर वापसी। और जैसे कि आप देख सकते हो, इस खूबसूरत पंडाल को देखने के लिए रात के 1:30 बजे भी लोगों की भीड़ हाजिर थी। लगभग 15 से 20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमने अच्छे से दर्शन किया और चल पड़े त्रिधारा सम्मिलनी की तरफ। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था तो लगभग 1 घंटे लगे दर्शन के लिए। त्रिधारा का 77वां वर्ष का थीम है उत्सव और यहाँ की प्रतिमा वाकई में देखने लायक थी। लगभग रात के 3 बजे हम लोग पहुंचे हिंदुस्तान पार्क और यहाँ पे लोगों की भीड़ और उत्साह देख के एक तो क्लियर है कि कोलकाता अगले कुछ दिनों तक सोने नहीं वाला। चलो एक नजर में देख लेते हैं साउथ कोलकाता की लाइटिंग। एक डालिया एवरग्रीन दुर्गा पूजा दक्षिण कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। 1943 में इस प्रतिष्ठित पूजा की शुरुआत की गई और ये लगातार महिमा से भरपूर रही। इस प्रतिष्ठित पूजा का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा का पारंपरिक रूप, विशाल झूमर और पंडाल की संरचना है। शिंगी पार्क दुर्गा पूजा पंडाल में राजस्थानी अलमारी कला को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जो नोक्शी खौरे पुतुल राज थीम के तहत हर विवरण में कहानियां बुनती है। इतने सारे पंडाल्स देखने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने लिया पेट पूजा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था मुदी अली क्लब और शिव मंदिर। शिव मंदिर सार्वजनीन दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में आगोल यानी सुरक्षा कवच थीम के साथ पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। मुदी अली क्लब ने केवल मेटल से पंडाल बनाकर सबको चौंका दिया। इनके थीम का नाम है समारोह यानी वैभव। ये शाही दिखने वाली थीम आप मिस आउट नहीं कर सकते, अपने परिवार के साथ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ आप सबका पूजा और नवरात्रि अच्छा जाए। मिलता हूँ जल्द, तब तक स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरे वीडियोस देखते रहना।